ये जनता के प्यार ने हमको कायल कर दिया है, आप लोगों का ये प्यार ही है। मैं सब लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ जिन लोगों ने अपने प्यार का बहुत बड़ा कर्ज हम लोगों के कंधे के ऊपर डाल दिया है, और जिन लोगों ने चला चला के हमेशा इस चार महीने के अंदर जगह जगह पे हम लोगों को ये बताया है कि काम के बदले में प्यार मिलता है, और अगर कोई काम करेगा तो पूरी तरह से जनता उनका साथ देगी, अकेलापन किसी को महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार ये सोचा कि कभी कभी अच्छा काम करते हैं तो कोई इसको समझता है, देखता है कि नहीं, परंतु मेरे समझ में आ गई है कि जनता मानती है कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप वो काम करते रहो, जनता आपके साथ रहेगी, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो आपका प्रधान प्रमुख क्यों ना हो, चाहे वो आपका सीएम हो, वो जो भी अच्छा काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी, ये आपने आज मुझे बताया है, उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे करीबन 14,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और 14,000 किलोमीटर के साथ करीबन 181 पब्लिक मीटिंग हो गई है, और मैं मानती हूँ कि बड़े शहर की ये आखिरी पब्लिक मीटिंग है, क्योंकि कल राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के बाद बांदीकुई करने के बाद ये हमारी स्वराज संकल्प यात्रा इस तरीके से जो चल रही है वो अब समाप्त हो जाएगी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, और मैं समझती हूँ कि मेरे साथियों के मन में भी यही है कि इन चार महीनों के अंदर जो हम लोगों को सातों संभाग में देखने को मिला और जो लगातार लोगों का प्यार मिला, ये आप कल खत्म करने के बाद क्या करेंगे? हम जनता के प्यार को इतनी आदत हो गई है, जनता के साथ घुल मिलकर चलने की इतनी आदत हो गई है कि कल के बाद तो हमारा दिल वैसे ही नहीं मानेगा। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो देखा सातों संभाग में वो ही देखा। आप ये समझ लीजिए कि 65 साल लोकतंत्र के खत्म हो गए, और 65 साल में 53 साल अगर आप हमारा और भैरव सिंह जी का राज निकाल दीजिए तो 53 साल लगातार हम लोगों ने कांग्रेस वालों को दिया है। मैं समझती हूँ कि अगर किसी के हाथ में 53 साल हो जाते तो वो क्या क्या नहीं उस क्षेत्र के लिए कर पाते, क्या कांग्रेस कर सकती थी, और जिसने नहीं किया ये सब देखने को है। 53 साल में हमारा राजस्थान चमन बन जाता और नंबर एक प्रदेश हमारे इस देश के अंदर बन सकता था। हमने देखा गुजरात को कि 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री को मिले, और गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो गुजरात के अंदर काया पलट किया है वो आज दुनिया भी उनका लोहा मानती है। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो उनके मुख्यमंत्री ने कहा उनके पीछे 10 साल उनकी जनता ने उनको दिया, और उन्होंने देश के अंदर देश के पर्दे पर हमारे मध्य प्रदेश का नाम छाक छोड़ दिया। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि 53 साल हमको मिले, उनको 15, उनको 10 और हमको 53, और 53 के बाद हमारी ये हालत है। मैं समझती हूँ कि जो लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं उनको और उनकी पार्टी को उस कुर्सी पे बैठने का एक मिनट का हक नहीं है अगर वो हमारे इस को छोड़ दें। मैंने जगह जगह पे लोगों से पूछा तो मेरे को जवाब सिर्फ एक ही मिला, जगह जगह पे पीने के पानी की समस्या जोरदार थी, जगह जगह पे आप लोगों के बिजली की समस्या जोरदार थी। आज भी यहाँ तो बिजली हो रही है, दिवाली जैसे लग रहा है, परंतु मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं आपसे पूछूंगी तो मुझे ये बताओगे, माताएं बहनें बताएंगी कि जो घरेलू बिजली मैंने उनको 24 घंटे के लिए देने का काम शुरुआत किया था वो आज तक उनके घर में नहीं पहुंचा है, और मुश्किल से 6 से लेकर 12 घंटे तक अगर मिल जाता है तो बहुत गरीमत है। क्यों माताएं बहनें, उससे ज्यादा तो नहीं मिल रहा है आपको? डर मैं आपको कह रही हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी तो 24 घंटे घरेलू बिजली आपको मैं घर में दूंगी, ये मैं विश्वास आप लोग सबको दिलवा रही हूँ। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर कोई किसान भाई है और मैं उनसे पूछूं कि तुमको 3-फेज बिजली मिल रही है क्या, तो मुझे ये मालूम होगा कि 3-फेज बिजली भी बड़ी मुश्किल से 3 घंटे अगर कहीं मिल रहा है तो वो गनीमत है।
और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सबसे पहले मुझे कहेंगे कि ये बिजली जो मिल रही है उसमें इतनी ट्रिपिंग होती है कि हम अपने किसान खेत के अंदर कोई काम नहीं कर सकते, हम महिलाएं हमारे घर के अंदर कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी। ये आप लोग सब मुझे कहेंगे और ये सातों संवाद में सुनने को मिला। मैंने सातों संवाद में यही सुना कि अगर कहीं ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो जो हमारे समय के अंदर 72 घंटे के अंदर हम आप लोगों को वापस वो ट्रांसफॉर्मर ठीक करके दिया करते थे, आज 4 महीने निकल जाते हैं, 5 महीने निकल जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर वापस नहीं आते हैं। और अगर आते हैं तो जब तक आपने उनको घूस नहीं दिया, रिश्वत नहीं दी, तब तक मैं नहीं समझती हूँ कि वो वापस आराम से आप लोगों के बीच में पहुंचता है। आज पूरा प्रदेश इस भ्रष्टाचार के नीचे दब गया है। आज पूरा प्रदेश अपना हाथ ऊपर ये करके कहता है कि रिश्वत के मारे हम मारे जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मैं बाड़मेर से चली हुई आ रही हूँ, तो यहाँ से लेके बाड़मेर तक जोरदार रिश्वत और भ्रष्टाचार। जहाँ बाड़मेर से निकल के आई तो हल्ला मचाया हुआ है कि हम तो रिफाइनरी बना रहे, रिफाइनरी बना रहे। मुझे ये नहीं मालूम कि वो रिफाइनरी कब बनाएंगे, पर मुझे ये मालूम है कि बायतू के अंदर जमीन का खरीद फरोख्त, पंचपदरा के अंदर जमीन का खरीद फरोख्त, आपके बीकानेर के अंदर, आपके जैसलमेर के अंदर और आपके बाप और पलोदी के अंदर जोरदार जमीन का बिक्री फरोख्त हो रहा है। सस्ती जमीन खरीदी जा रही है और जोरदार तरीके से वो बेची जा रही है और यही लोग सब पैसा बना रहे हैं। उसमें मंत्री है, मुख्यमंत्री है और रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस का आज दामाद कहलाया जाता है, ये सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व। पता किया तो मुझे ये बताया गया कि आज कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वालों को ये आभास हो गया है कि अब तो भैया जाना ही है, तो जाना ही है, तो जितना लेके निकल सकते हो वो लेने की कोशिश हम सबको करना है। तो किसी ने अपने परिवार के लोगों को लेक्चरर बना दिया बिना क्वालिफिकेशन के, किसी ने अपने स्कूलों के अंदर अपने परिवार जनों को घुसेड़ दिया बिना क्वालिफिकेशन के, किसने खान अपने परिवारों को दिलवा दिए, किसने होटल अपने परिवारों को दिलवा दिए, क्या बचा है जो बेचारे गरीब के हाथ लगने वाला है। मैंने सबसे पूछ लिया महानरेगा का काम कहीं हो रहा है, कहीं भी अलवर के इलाके के अंदर किसी ने महानरेगा के काम आया देखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में महानरेगा में 26 लाख लोगों को नौकरी करने का काम हमने दिया और 26 लाख लोगों ने मिलके सही समय पे उनको उनकी पैसा वापस मिला और सही तरीके से मिलके सब लोगों ने परिसंपत्तियां बना के राजस्थान के विकास में अपना हाथ लगाया। मैं आज कहना चाहती हूँ कि 1 लाख लोग से ज्यादा को नौकरी नहीं मिल रही और 1 लाख लोग उनको तनख्वाह भी सही समय पे नहीं मिल रही है। और कहां राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बना था पूरे देश के अंदर, आज उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला प्रदेश का अगर कोई नाम है तो आज वो है राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों, हमारा इतिहास कुछ और बोला करता था, लोग बाहर से आया करते थे हमें खाली देखने के लिए, राजस्थान की भूमि को छूने के लिए और राजस्थान के बारे में पढ़ने के लिए। आज राजस्थान को जो भी आता है वो सब लोग यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो वो है राजस्थान के अंदर। मैं कहना चाहती हूँ माताएं बहने कि इस अलवर के अंदर कितने सारे काम हो सकते थे। आज राजस्थान का एक प्रमुख शहर ये अलवर शहर, उसके अंदर हम सोचते हैं कि अच्छी अच्छी सड़कें बन जाए, अच्छी अच्छी लाइटें बन जाए, अच्छे उसके सर्कल बन जाए, तो कोई भी बाहर से यहाँ निवेश करने अगर आता है तो वो कहेगा अलवर को देख के कि हाँ ये बहुत ही सुंदर शहर है, इस शहर के अंदर अपने को पैसे लगाने चाहिए। आप लोगों को कह दिया गया भैया मेट्रो लग जाएगा, आपने देख लिया कि मेट्रो ने जयपुर का क्या किया है, जयपुर की पूरी स्काई लाइन खत्म कर दी है। मेट्रो जो हम जानते हैं वो अंडरग्राउंड होता है, परंतु ओवरग्राउंड करके जो हमारी पुरानी हेरिटेज की सिटी थी, उस हेरिटेज की सिटी का बिल्कुल जो नेक्शेप था, जो जिस तरीके से दिखता था, उसको पूरी तरह से स्काईलाइन खराब करके छोड़ दिया। और कितने किलोमीटर बनाए अभी तक, 12 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर पाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं तो याद रखना कि वो सपने तो सपने हैं, इस सरकार के अंदर कोई भी सपने पूरे नहीं होते, ये तो खाली कहने की बातें होती है।
और 4.5 साल तक कोई काम नहीं करने वाली सरकार अब सबको सौगाते बांट के कहती है कि अब चिंता मत करो, बस हमारे साथ आ जाओ, हमको वोट दे जाओ और हम फिर गलती नहीं करेंगे, आप लोगों को काम करके हम छोड़ेंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ नहीं होगा, नहीं होगा। देख लिया है आपने, वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। आपने कहा कि लैपटॉप ले जाओ तो आपके अलवर के अंदर ही बच्चियों ने खड़े होकर कहा कि ऐसे लैपटॉप इसको देने से कोई मतलब नहीं है, हम कहां इस्तेमाल करेंगे ऐसे लैपटॉप को, और हमको क्या मालूम है कि ये लैपटॉप का अगर खराब भी हो जाता है तो किसके पास ले जाके इसको ठीक कराएंगे। अरे ठीक है आपको लैपटॉप नहीं चाहिए तो झालावाड़ में जाके वहां मंत्री ने कह दिया मैं तो भले के लिए तुमको दे रहा हूं लैपटॉप, परंतु उसके पेट में रहा नहीं गया। जब मीटिंग पूरी हो गई तो बोला अरे बच्चे लोग ये मैंने लैपटॉप तुमको दे तो दिया है, परंतु याद रखना कि जब चुनाव का समय आएगा तो अपनी मम्मी और पापा को जरूर कह देना कि कांग्रेस ने तुम्हें ये लैपटॉप दिया था तो इसकी एवज में हमको वोट जरूर दे देना। रहा नहीं गया, आखिर मैं बोल ही दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बड़े बड़े स्कीम आपके लगा के रखे हैं, ये बड़े बड़े स्कीम के अंदर क्या हो रहा है। मेरे को जयपुर में बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर मुफ्त दवाई और मुफ्त जांच डॉक्टरों के हम लोग करवा रहे हैं तो बहुत लोग इससे खुश हुए हैं। मैंने सातों संभाग में देखा, मैंने देखा कि डॉक्टर ही नहीं है, लैब टेक्नीशियन ही नहीं है, एक्सरे वाले ही नहीं है, कोई जांच करने वाला ही नहीं है। जब ये है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है, तो कौन देगा मुफ्त दवाई और कौन करेगा मुफ्त जांच, मुझे नहीं मालूम है। मैंने अभी पता किया तो ये पता किया कि अलवर के अंदर जिला अस्पताल भरतपुर और दौसा और इसके अलावा हरियाणा यहां मरीज आते हैं लेकिन जांचों के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, इसलिए ट्रॉमा और जनाना अस्पताल में भी पूरी तरह से अव्यवस्था है। और चिकित्सा मंत्री का ये गृह जिला होने के बावजूद भी अस्पताल के अंदर ये अगर स्थिति है जहां लोगों को रेफर होना पड़ता है जयपुर के अंदर, तो मुझे ये बता दो भाइयों ये कहां मुफ्त जांच और कहां मुफ्त दवाई मिल रही है। झुंझुनू के अंदर वहां चेक हुआ तो इंजेक्शन के अंदर कांच मिला, ऐसी मुफ्त दवाई तो मुझे नहीं चाहिए। और कहीं और उन्होंने चेक किया तो वहां मालूम पड़ा कि ये एक्सपायर्ड दवाइयां हम लोगों को सबको दे रहे हैं, हमें एक्सपायर्ड दवाइयां नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सपायर्ड दवाई से हम और बीमार होंगे। और पता किया तो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ कोई है जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है कोई? अब मैंने हल्ला करना शुरू कर दिया है तो ट्रक आने लगे। अभी एक ट्रक खेतल में आया, जो आपके अखबार में आज सुबह आपने पढ़ा होगा कि खेतल में जो ट्रक आया उसके अंदर ऐसा बदबूदार गेहूं था कि वो तो आदमी छोड़ो जानवर को आप नहीं दे सकते, ये तो 1 रुपए किलो के है गेहूं का। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि आपके पास इतना गेहूं पड़ा हुआ है ये गरीब आदमियों को बांट दो, बांटने को तैयार नहीं है, सड़ जाए गेहूं उसके बाद लाके सब लोगों को देने का काम किया है सरकार है तो कैसी सरकार है। मैं अभी आप लोगों से ये पता करना चाहूंगी, मैंने पता किया तो मैं गई थी बाड़मेर के अंदर, तो बाड़मेर के अंदर मैंने पता किया तो धोरी मन्ना पंचायत समिति, उस पंचायत समिति के अंदर एक बाड़मोर ग्राम पंचायत, वहां के लोगों ने मेरे से मजाक किया, बोले मेरे को कि रात को तेज आंधी आ गई थी और ये 10 मार्च की बात है और ये वाकई में किस्सा है, इतनी जोरदार आंधी आई कि हमारी पूरी सड़क ही उड़ गई। अब मैं धोरी मन्ना, मैं ये मजाक नहीं है, एक्चुअली में हुआ है। और मैं अब जब धोरी मन्ना जाऊंगी तब मैं उनको ये कहूंगी कि अलवर शहर में भवानी तोप सर्कल से इंदिरा गांधी स्टेडियम के बीच सड़क करीब 200 मीटर धस गई है और कई वाहन उसमें पलटी खा रहे हैं। यह सड़क मुश्किल से 1.25 महीने पहले बनी होगी और एक ही बारिश में 200 मीटर जमीन के अंदर धस गई है, तो वो हंसेंगे जैसे अभी आप हंस रहे हो, क्योंकि वो मेरे को ये कहेंगे आहा बहुत फन। पर मैं ये कहने वाली उनको कि ये बात भी सही है और वो बात भी सही है, माने वहां तो उन लोगों ने मजाक समझा, आप भी आज मजाक समझ रहे हो पर वाकई में सही थे। और कई जगह तो ऐसी है जहां पुलिया आपको अखबार के अंदर पेपर के अंदर दिखाई देती है और वहां कोई जाता है तो बताया ये जाता है कि अभी जोरदार बरसात आई थी उसमें धूल गई। अब ये पूरी जगह में मेरे को देखने को मिल रहा है और मैं समझ रही हूँ कि अब बहुत हो गया,
आप देख लीजिए माता और बहनों की इज्जत की क्या स्थिति हो गई है। जयपुर के अंदर हो कहीं भी हो, आज मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री भी है और अपराधों में देश में नंबर एक है राजस्थान, महिला उत्पीड़न में देश में तीसरे नंबर पर है राजस्थान, आदिवासी उत्पीड़न में देश में दूसरे नंबर पर और एससी एसटी में अत्याचार में देश में पहले नंबर पर राजस्थान है। ये वो राजस्थान है जिसकी बात लोग इतना करा करते थे, आज हमको वहां से लाके बीमारू प्रदेश के नाम देके गड्ढे में डालने का काम इस कांग्रेस ने किया है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान के लोग कुछ भी हो, गरीब हो, कैसे भी हो, परंतु वो बड़े स्वाभिमानी और इज्जतदार लोग हैं और मैं समझती हूँ कि उनके इज्जत के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे इज्जत और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है उनको उस कुर्सी से उतार के नीचे जमीन पे लाने का काम करो ताकि उनको समझ में आए, उनको समझ में आए कि आज से क्या हो रही है। मैं भाइयों अभी भीलवाड़ा से निकल के आ रही थी तो मुझे एक बूढ़ा आदमी वहां मिला, वो एक अपने हाथ में टिफिन कैरियर लेके चल रहा था। मैंने उसको रोक के मेरे साथ वाले जो थे उनको कहा कि पता कर लो कि इसके टिफिन में क्या है, आजकल महंगाई चरम सीमा पे है, इतना पूछ लो कि क्या खाया है। सबने मेरे को कहा कि ये बड़ी अलग गलत बात है, आपको पूछना नहीं चाहिए कि उसके डिब्बे में क्या है, पर मैंने कहा नहीं बुला के पूछो। मैंने पूछा तो उसने कहा मेरे डिब्बे में रोटी और एक हरी मिर्च है। मैंने कहा ये क्या, आप लोग कोई अचार ले लेते हैं? उन्होंने कहा मेरे लिए कौन अचार डालेगा मेरे बक्से। मैंने कहा कि आप धनिया की चटनी पीस के रख लेते। उन्होंने कहा धनिया, धनिया तो 150 रुपए किलो का हिसाब है, मैं कहां से धनिया की चटनी ले सकूंगा। तो मैंने कहा यार और कुछ नहीं तो प्याज रख लेते। उन्होंने कहा प्याज आपने अखबार नहीं पढ़ा, बाजार में नहीं गए, 45 रुपए किलो का हिसाब अब 50 किलो हो गया है, मैं तो प्याज भी नहीं खा सकता। आज ये स्थिति करके हमारे राजस्थान की इस कांग्रेस की सरकार ने कल कर छोड़ा है। पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, अरे गैस सिलेंडर माता बहने, गैस सिलेंडर हमारे समय के अंदर 260 रुपए के अंदर आपको जितना चाहिए था ले जाइए। आज क्या स्थिति है कि 7 सिलेंडर मुश्किल से आप ले सकते हो, उसके साथ 8वां सिलेंडर जो है वो 1200 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया, 700 रुपया जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप अपने घर के अंदर गैस का सिलेंडर नहीं ले जा सकते हो। आज ये स्थिति हो रही है पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो हो ही रही है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि माता और बहनों को आगे रख के, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब माता और बहनों की इज्जत है तो हमारे परिवार की इज्जत है, हमारे प्रदेश की इज्जत है। इसलिए भामाशाह की स्कीम बनाया और 2007 के अंदर मैंने 800 करोड़ रुपए अलग रख के महिलाओं के द्वारा बैंक अकाउंट खुलवा के उनको कार्ड देने का काम किया। उस कार्ड के अंदर स्वास्थ्य बीमा 30,000 रुपए का भी था कि बच्चे बीमार हो जाए, बूढ़े घर में बीमार हो जाए तो उनको बीमा के रूप में आप जाके अस्पताल में उनको दिखवा सकते। अगर उस समय से लेके आज तक उन्होंने उस स्कीम को इस्तेमाल किया होता तो ये पेंशन अफरा तफरी में देने की जरूरत ही नहीं होती। मैं ये कह रही हूँ कि उसमें SC, उसमें ST, उसमें BPL, उसमें लघु और सीमांत कृषक, ये सब लोग होते और सबको उसमें पेंशन मिलता, सबको उसकी देखभाल होती, परंतु आज तक उन्होंने काम नहीं किया और अब जल्दीबाजी में ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबको मालूम है कि आधा पैसा बाजार में जाता है, आधा पैसा जेब में जाता है और बहुत ही कम पैसा उन गरीबों के पास पहुंचता है। ये BPL परिवार के लोग अगर कोई यहाँ बैठे, आज मैं ये जानती हूँ कि जो BPL है उसको तो पैसे नहीं मिल रहे और जो BPL नहीं है उसको लगातार लिस्टों में डाल डाल के पैसे देने का काम ये सरकार कर रही है। क्या वो BPL बेचारे गरीब के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, किसने पूछा है? आज भाइयों मैं तो खाली आप लोगों के साथ एक नया राजस्थान बनाने के लिए आई हूं। मैंने ये तय किया है कि आपने भी एक सपना देखा, हमने भी एक सपना देखा, हमारे बच्चों को पढ़ा के हमने बड़ा किया है और जब हमारी सरकार थी तो 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया था। आज मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये फिर से होगा और जो ये टेट का प्रबंधन नहीं किया है उस टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे और RPSC के द्वारा जिस तरीके से अपने समय के अंदर नौकरी देने का बच्चों को काम किया था तो फिर से काम करने की हम लोग बात करेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये काम होगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि चुनाव के ऊपर मैं आप लोगों के आके सौगाते बांटू, जो कर सकती हूँ वही आप लोगों को कहती हूँ और 5 साल वही करके दिखाया है।
आज मैं कह रही हूँ कि एक नया राजस्थान हम लोगों को बनाना है, एक ऐसा राजस्थान जो बीमार नहीं है, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के विकास में जुटे, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला उनको अत्याचार नहीं हो, सुरक्षित हो, अपने स्वाभिमान और अपने इज्जत को लेके सिर ऊंचा करके बाजार में घूम सकती है, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारा किसान मजबूती के साथ खड़ा हो जाए, उसको सही टाइम पे बिजली, सही टाइम पे पानी, सही टाइम पे खाद, अच्छा बीज और सही टाइम पे जब उसकी फसल कटती है तो वो ले जाएगा तो उसको सही दाम मिले, ऐसे मजबूत किसान हम लोगों को खड़ा करने, और उसके साथ साथ व्यवसायी फैक्ट्री वाले हमारे वो खड़े हो जाए ताकि एक जाल बने राजस्थान के अंदर और राजस्थान को खुशहाल बनाना, मजबूत बनाना, समृद्ध बनाना हम लोग मिलकर कर सके। ये कांग्रेस ने लगातार हम लोगों को अलग करके रखा है। एक परिवार के अंदर अगर दो भाई लड़ते हैं तो वो परिवार आगे बढ़ नहीं सकता है, परंतु अगर वो परिवार के सब लोग एक मिलकर काम करते हैं तो उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और इसीलिए मैं आज आपको कह रही हूँ कि 36 के 36 कौम और सब मजहब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान के विकास को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। क्या तैयार हो? तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए? मेरे को ये देखने को मिला है 5 महीने की सरकार नहीं चलानी है, पर 5 साल की कार्य योजना वाली सरकार मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। मैं तो देना चाहूंगी, क्या आप लेना चाहोगे ऐसी सरकार जो आप लोगों को खुशहाल बना के रखे? अगर हाँ तो दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बता देना कि राजस्थान के अंदर एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, और एक बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी तो आओ मिलके साथ हम लोग सब माताएं बहने युवा भाई हम लोग सब मिलके एक बात करेंगे नया